ये विश्व अब तक दो वर्ल्ड वॉर झेल चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चला 1914 टू 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला 1939 टू 1945 और यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन की स्टोरी शुरू होती है मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 1945 के बाद यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस टाइम पर वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। एक तरफ था वेस्टर्न ब्लॉक जिस पर इन्फ्लुएंस था यूएसए का, जिसने प्रमोट किया कैपिटलिस्ट सिस्टम को। वहीं दूसरी तरफ था ईस्टर्न ब्लॉक जिसे लीड किया यूएसएसआर ने और प्रमोट किया कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजी को। और यहीं से शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की। अब वर्ल्ड में दो मेजर पावर थी, यूएसए और यूएसएसआर। ये दोनों ही पावर दूसरे कंट्रीज पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहती थी, पर इसका सबसे ज्यादा असर यूरोप पर पड़ा क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के साथ साथ यूरोप दो हिस्सों में बटा हुआ था। ईस्टर्न यूरोप को कंट्रोल किया जाता था यूएसएसआर के द्वारा, जबकि वेस्टर्न यूरोप को यूएसए के द्वारा। और इसीलिए यूरोप के लीडर्स की चिंता थी कि कैसे यूरोप को इंटीग्रेट किया जाए और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने का सबसे पहला स्टेप लिया गया यूएसए के द्वारा। यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया मार्शल प्लान। इस प्लान के तहत 1948 में स्टैब्लिश किया गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शॉर्ट में ओईईसी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन था वेस्टर्न यूरोप को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पर एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते थे। बट यूरोप के बीच पॉलिटिकल कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए 1949 में स्टैब्लिश किया गया द काउंसिल ऑफ यूरोप, लेकिन इतना काफी नहीं था। यूरोपियन कंट्रीज को एक साथ लाने के लिए कई और स्टेप्स भी लिए गए और इसकी सही मायने में शुरुआत हुई 1950 में, जब फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर रॉबर्ट शूमैन ने एक ऐसी कम्युनिटी बनाने का विजन रखा जिससे फ्रांस और वेस्टर्न जर्मनी अपने स्टील और कोल इंडस्ट्री को मर्ज कर दे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने कहा वेस्टर्न जर्मनी, क्योंकि इस टाइम पर जर्मनी के ईस्टर्न साइड पर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था, मींस जर्मनी भी दो हिस्सों में बटा हुआ था। रॉबर्ट शूमैन के अकॉर्डिंग इस तरीके से रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया जा सकता था और इसीलिए शूमैन ने जीन मॉनेट के साथ मिलकर इस प्लान पर काम करना शुरू किया। एक्चुअल में शूमैन का मानना था कि अगर यूरोप को फ्यूचर में वॉर से बचाना है तो जरूरी है कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन या लिंकेज जो कंट्रीज को एक दूसरे से बाइंड कर दे। शूमैन के इसी प्रपोजल के आधार पर 1951 में साइन की गई ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके थ्रू क्रिएट की गई यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, इन शॉर्ट ECSC। 18 अप्रैल 1951 को इस ट्रीटी को साइन किया गया 6 कंट्रीज के द्वारा। ये 6 कंट्रीज थे बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। ये 6 कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। इस नई कम्युनिटी के थ्रू एक कॉमन सिंगल स्टील एंड कोल मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में ECSC के फाउंडिंग मेंबर के द्वारा मार्च 1957 में साइन की गई ट्रीटी ऑफ रोम, जिसे फोर्स में लाया गया 1 जनवरी 1958 में। इस ट्रीटी के तहत दो और नए इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया, पहला यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, शॉर्ट में ईईसी, और दूसरा यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी, जिसे शॉर्ट में कहा गया यूरोटम। इस इकोनॉमिक कॉपरेशन के साथ साथ पॉलिटिकल कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए 1958 में क्रिएट की गई थी यूरोपियन पार्लियामेंट, पर इस पार्लियामेंट के लिए फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट किए गए 1979 में। 1970s के बाद बहुत से नए कंट्रीज यूरोपियन कम्युनिटी का मेंबर बने, जैसे कि 1 जनवरी 1973 में इसे ज्वाइन किया गया ब्रिटेन, आयरलैंड और डेनमार्क के द्वारा। ग्रीस इसका 10th मेंबर बना 1981 में, देन स्पेन और पोर्तगल ने इसे ज्वाइन किया 1986 में। 1990s में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाने के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जिसके बाद यूरोप को इंटीग्रेट करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन में कई और चेंजेस किए गए। इनमें सबसे बड़ा चेंज था ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट, जिसे नीदरलैंड के मास्ट्रिक्ट में 7 फरवरी 1992 में साइन किया गया, जिसे फोर्स में लाया गया 1 नवंबर 1993 में। इस ट्रीटी के तहत यूरोपियन कम्युनिटी को रिप्लेस कर यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया, जिसे आज हम प्रेजेंट फॉर्म में जानते हैं। प्रेजेंट में इसके 27 मेंबर है। 1990s में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ईस्टर्न यूरोप के बहुत से कंट्रीज ने ईयू को ज्वाइन किया, जैसे कि ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन ने ईयू को ज्वाइन किया 1995 में। 2004 में 10 नए कंट्रीज इसके मेंबर बने। ये 10 कंट्रीज थे साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। 2007 में इसके मेंबर बने बुल्गारिया और रोमानिया।
बट 31 जनवरी 2020 को ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन से लेफ्ट कर दिया। यूके द्वारा यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप को छोड़ने की शुरुआत हुई 2016 में और फाइनली यूके ने एग्जिट किया 2020 में। इस पूरे इवेंट को ब्रेक्सिट के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर देना। अगर यूरोपियन यूनियन के सिंबल की बात करें तो ये कुछ इस तरह है, ब्लू बैकग्राउंड और इसके ऊपर सर्कल में 12 गोल्ड स्टार। ये 12 गोल्ड स्टार यूरोप के लोगों के बीच यूनिटी हारमोनी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक बार फिर ईयू के फॉर्मेशन को समराइज करें तो ये कुछ ऐसा होगा। 1948 में बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, देन पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए 1949 में स्टैब्लिश किया गया द काउंसिल ऑफ यूरोप। इसके बाद 1951 में क्रिएट की गई यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, 1957 में स्टैब्लिश की गई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी। फाइनली 1992 में यूरोपियन कम्युनिटी, जिसमें शामिल था ECSC, EEC और यूरोटर्म, इन तीनों को रिप्लेस कर स्टैब्लिश किया गया यूरोपियन यूनियन। WTO के बाद EU आज वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत से चीज़ों पे इफिशेंटली काम करता है, जैसे कि सिंगल मार्केट। EU अपने मेंबर कंट्रीज के बीच सिंगल मार्केट ऑपरेट करता है, जो गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज और पीपल के फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है। नंबर 2, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। EU अपने मेंबर कंट्रीज के बीच पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी को क्रिएट करता है। नंबर 3, कॉमन करेंसी। EU के 27 में से 19 मेंबर कंट्रीज ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट किया हुआ है। नंबर 4, इंस्टीट्यूशन। EU के बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं जो उसे इफेक्टिवली रन करने के लिए पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। नंबर 5, लॉ एंड रेगुलेशन। EU जो भी लॉज बनाता है वो लगभग सभी मेंबर कंट्रीज पर अप्लाई किए जाते हैं। हमें ये भी देखना है कि EU के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो उसे वर्ल्ड में पावर का नया सेंटर बनाते हैं। तो इसका फर्स्ट रीजन है इसकी GDP। 2016 तक यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड GDP $16.7 trillion की थी, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट थी USA के बाद। बट 2020 में UK के एग्जिट कर देने के बाद इसका GDP घटकर अप्रोक्सीमेटली $15 trillion हो गया है। सेकेंड रीजन, यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो, जो कि US डॉलर के लिए एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का डोमिनेंस है, बट उसे टक्कर देता है यूरो। थर्ड, वर्ल्ड ट्रेड में EU का शेयर USA और चाइना से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये 27 मेंबर स्टेट्स की कंबाइंड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 4, EU की इकोनॉमिक पावर बढ़ने से उसने एशिया और अफ्रीका के नेशंस के साथ कई अलायंसेस बनाए हैं, जिससे EU का इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज में भी देखा गया है। फिफ्थ रीजन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ EU एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक के रूप में फंक्शन करता है। सिक्स्थ रीजन है UN सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। इन 5 मेंबर में यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर फ्रांस भी शामिल है। इन सब के अलावा EU के अपने मेंबर कंट्रीज के साथ कॉमन डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसीज, जो यूरोप और वर्ल्ड में प्रमोट करते हैं पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। बट इन सब के बावजूद यूरोपियन यूनियन की बहुत सी लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि नंबर 1, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। मेंबर स्टेट्स के बीच कॉपरेशन और इंटीग्रेशन के बावजूद ये कंट्रीज अपनी खुद की फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि ये अपनी सोवरेनिटी को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, जिससे कई बार कोई कॉमन एग्रीमेंट, डिफेंस इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट बनाने में कई डिफिकल्टीज आती हैं। नंबर 2, यूरोपियन आर्मी को लेकर अक्सर मेंबर स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स बने रहते हैं। नंबर 3, यूरोपियन यूनियन एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जिसके मल्टीपल बॉडीज हैं, जिससे कई बार डिसीजन मेकिंग डिले होते हैं। नंबर 4, डेनमार्क और स्वीडन के अलावा ऐसे कई कंट्रीज हैं जिसने अभी तक कॉमन करेंसी यूरो को एक्सेप्ट नहीं किया है। नंबर 5, ब्रिटेन के EU से अलग हो जाने के बाद EU की GDP काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई है। एट लास्ट EU प्रेजेंट में बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस, टेररिज्म, नेशनलिस्ट मूवमेंट एटसेट्रा। इन इश्यूज को लेकर मेंबर स्टेट्स के बीच अक्सर अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलते हैं, जिससे EU की स्टेबिलिटी और यूनिटी अफेक्ट होती है। EU आज वर्ल्ड में पावर का नया सेंटर है, जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले कंट्रीज को टक्कर देता है, बट साथ ही ये फेस करता है कई चैलेंजेस भी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर